पता नहीं अपने दुर्नीर से ये शकुनी कब कौन सा बाण चला दे। मैं आपसे सहमत हूं गंगा पुत्र भीष्म, मैं आपसे सहमत हूं। प्रणाम पितामह। अर्जुन आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। अर्जुन बैठो। मैं तो आपके चरण स्पर्श करने आया था पितामह, और ये कहने आया था कि आज हम लोग इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं। तो फिर अकेले क्यों आए हो अर्जुन? क्या तुम्हारे भाइयों को गंगा पुत्र भीष्म के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं रही? ज्येष्ठ भ्राता श्री ने तो मुझे भी यहां आने से रोका था, क्योंकि बड़ों को लज्जित नहीं करना चाहिए, और यदि हम सारे भाई यहां आ जाते तो द्रौपदी भी हट करती यहां आने की। तो फिर तुम क्यों आए वत्स? मैं आपके दर्शन किए बिना तो कहीं जा ही नहीं सकता था पितामह, और फिर अब न जाने कब कहां और किस वातावरण में भेंट हो। परंतु आपसे मुझे यह भी पूछना था पितामह कि प्रतिशोध की अग्नि जो मेरे सीने में दहक रही है, उस अग्नि का मैं क्या करूं पितामह? उस अग्नि का मैं क्या करूं? अब काहे का प्रतिशोध कुंती पुत्र, अब काहे का प्रतिशोध? युधिष्ठिर ने द्योत में जो कुछ बिहारा है महाराज ने तो वो सब कुछ लौटा दिया है। सब कुछ तो नहीं लौटाया पितामह, सब कुछ तो नहीं लौटाया। द्रौपदी का मान नहीं लौटाया, उस हाथ को दंड नहीं दिया जो पहले उसके केश तक और फिर उसके वस्त्र तक पहुंच गए थे, उस जंघा को दंड नहीं दिया जिसे पीट कर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया था कि द्रौपदी को वहां पिटला दिया जाए, उस जीव को दंड नहीं दिया पितामह जिसने भरी सभा में दिव्य जन्म द्रौपदी को वेश्या कहा था। हस्तिनापुर पर यह ऋण तो है पितामह, यह ऋण तो है, और यह ऋण तभी उतरेगा जब हस्तिनापुर हमें दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और गंधार नरेश के शव देगा पितामह, शव देगा। इन शवों के साथ तुम्हें कई शव और स्वीकार करने पड़ेंगे वत्स। पितामह। हां प्रिय शिष्य अर्जुन, हां, उन शवों के साथ तुम्हें मेरा शव भी स्वीकार करना होगा। क्रोर? और मेरा भी। इतने घबरा क्यों गए हो तुम वत्स? क्या तुम मेरी छाती की ओर अपने बाण चलाने का साहस नहीं कर सकते? मैं हस्तिनापुर राज्य का द्वारपाल हूं वत्स। यदि कोई शत्रुता का भाव लेकर इसमें प्रवेश करना चाहेगा तो उसे मेरा शव अवश्य पार करना होगा। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं पितामह कि इस अपमान के विष को हम चुपचाप पी जाएं? मैं कौन होता हूं ये सब कहने वाला, क्योंकि इन विषयों पर तो स्वयं अपना ही निर्णय लेना पड़ता है वत्स। किंतु जो बात मैं जानना चाहता हूं वो ये है वत्स, कि जिस सपान की बातें तुम कर रहे हो उसका दायित्व किस पर है? क्या कुलवधू द्रौपदी को दुर्योधन ने दांव पर लगाया था? जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था तो दुर्योधन, दुशासन, करण और शकुनी ने क्या तुम लोगों से यह कहा था कि इसका विरोध न करो? और यदि नहीं तो जो अपमान हुआ है उन सब का दायित्व स्वयं तुम्ही लोगों पर है। तो क्या हम भ्राताश्री का विरोध कर सकते थे पितामह? बोलिए पितामह, विरोध कर सकते थे? तो क्या तुम युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर मुझे युद्ध की धमकी देने आया हो वत्स? अरे वत्स अर्जुन, घायल तो मैं हुआ हूं, अपमान तो मेरा हुआ है,
अरे अपमान तो हुआ है मेरे हस्तिनापुर का, अरे अपमान तो हुआ है मेरे पूर्वजों का, और अपमानों की इस भीड़ में तुम्हें केवल अपना अपमान दिखाई दिया। अरे वत्स अर्जुन, जाओ इंद्रप्रस्थ जाओ और वहां बैठकर ये सोचो कि ये जो कुछ हुआ है वो क्यों हुआ है। आरोपों की स्मृत दिशा में मत भटको, प्रतिशोध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। भूल कहीं ना कहीं तुम्हारे बड़ों से हुई है वत्स, किंतु दुख की बात तो यह है पुत्र कि मैं ये सभी बातें दुर्योधन से नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक उल्टी कागर है। जल के लिए स्थान तो बहुत है, परंतु जल जाने का मार्ग बंद है। अर्जुन, मार्ग बंद है। एक और प्रतिशोध है, एक और अपमान। भीष्म घिरे हैं बीच में, गहरी नदी समान। नारी के अपमान से गिरी सभ्यता आज, हार जीत के खेल में गई वंश की लाज।